guys. So today's topic is the living wounded. So let's start. So the living can be decided, or this property can be given to an organism which must possess a group of characteristics or some properties which is mainly unique to them only. That means किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम हमारे माइंड में कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, कुछ फीचर्स आते हैं जिससे हम उसको बताते हैं कि हाँ ये चीज है. फॉर एग्जाम्पल डॉग. सो डॉग आपके दिमाग में आते क्या कि हाँ एक ऑर्गेनिज्म है जिसके चार पैर हैं, दो कान हैं, है ना, और हमेशा वो मतलब कह सकते हो अपराइट मूव नहीं कर सकता है, वैसे मूव है. तो मतलब एक आपके दिमाग में एक इमेज बनती है बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस जिससे कि हम डिफाइन करें बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, डिफ्रेंशिएट कर सकें, डिफाइन कर सकें एक्सक्लूसिवली लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है. तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. अब प्रॉपर्टीज भी दो तरीके से ग्रुप हो सकती हैं, या तो कैरेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जब हम डिफाइन कर रहे हैं या उसको रिलेट कर रहे हैं विद अ सूटेबल फीचर. मीन्स कि हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को टू कि हाँ इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं. बट डिफरेंस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली उसी ऑर्गेनिज्म में होगी. लाइक अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वही होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट है, नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं है. बल्कि जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इट मे बी प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम. सो कहने का क्या मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली डिफाइन करेगा, स्पेसिफिकली डिफाइन करेगी व्हाट इज लिविंग और नॉन लिविंग. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिकली चार प्रॉपर्टीज है जो कि यूजुअली हम देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है ग्रोथ. सो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज जस्ट इंक्रीज इन बायोमास which can be due to increase in number of cells also, or it can also be due to the increase in cell size, shape and structure. कह सकते हो अगर cell का size बढ़ रहा है तो हम तब भी बोल सकते हैं कि यार उसका shape तो change हो रहा है, वो grow तो कर रहा है, तो हम उसको भी growth ले सकते हैं. So कहने का मतलब क्या है कि growth के बहुत सारे attributes हो सकते हैं, but growth actually is increase in biomass. तो यहाँ पे ग्रोथ अगर मैं देखती हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, विच कैन बी प्लांट्स और एनिमल्स बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाइड. सो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है, लाइक वो लाइफ लॉन्ग ग्रो करते हैं. बट इन एनिमल्स देर इज अ सर्टेन स्टेज या सर्टेन फेज तक ही आपकी ग्रोथ होगी एनिमल्स में, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डिटर्मिनेट. तो डिटर्मिनेट जो ग्रोथ है मीन्स इट्स डिटरमाइंड अप टू अ सर्टेन एज. सो डिटर्मिनेट एंड नॉन डिटर्मिनेट. सो डिटर्मिनेट होती है आपके एनिमल्स में, वाइल वाइस वर्सा इनडिटर्मिनेट इन प्लांट्स. ठीक है, अब बात करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग की. क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग में ही देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में नहीं? आंसर इज नो, नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है. नॉन लिविंग का एग्जाम्पल सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल से आप उसका साइज इंक्रीज कर सकते हो. उसका साइज तो इंक्रीज हो ही रहा है, एंड दैट इज लाइक ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ. सो ग्रोथ कैन बी सीन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो दिस कांट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट इट कैन बी अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ग्रोथ को हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमने बोला क्योंकि ये लिविंग में भी हमने देखी और नॉन लिविंग में भी देखी. अब आते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की मीनिंग क्या है, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन. इट कैन बी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, व्हाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल पेरेंट. सो बेसिकली इट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, राइट. सो अब ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन अगर मैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में देखूं तो कैसे होगा. अगर अमीबा है वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, बाय डिवाइडिंग इनटू टू सेल्स, बाय बाइनरी फिजन. सेम टाइम पे अगर मैं बोलूं ग्रोथ कैसे करेगा, तो ग्रोथ का भी उसका अल्टीमेटली डिविजन. सो कह सकते हो कि सेल डिविजन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ या अ मेजर ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज ग्रोथ. तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहो या रिप्रोडक्शन करो, ऑल टूगेदर साइनोनिम्स है, सेम चीज है.
So they are mutually inclusive events in unicellular organisms. While in higher organisms, जहां पर ग्रोथ सेल डिविजन एक अलग कैरेक्टरिस्टिक या एक अलग फिनोमेना है और रिप्रोडक्शन एक अलग फिनोमेना है, वहां पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, राइट? तो रिप्रोडक्शन हमने एक चीज बात की कि व्हाट इज म्यूचुअली इंक्लूसिव एंड व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. अब आते हैं लिविंग और नॉन लिविंग का डिस्टिंक्शन के बीच में, कि इज रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. सो रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, क्या कभी आपने कोई ऐसा केस नहीं सुना जिसमें ऑर्गेनिज्म लिविंग है बट वो स्टराइल है? ऑब्वियसली है. म्यूल इज एन एग्जाम्पल. बहुत सारे ह्यूमंस में मेल स्टराइल हो सकते हैं ड्यू टू इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, फीमेल स्टराइल हो सकती है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस ओवम, या फिर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. सो कहने का मतलब क्या है, क्या वो लिविंग नहीं है? ऑब्वियसली लिविंग है. सो रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता बट इट कैन बी अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है? सो ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गया. नेक्स्ट आते हैं मेटाबॉलिज्म में. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी. नाउ द रिएक्शंस कैन बी, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, सिमिलरली हमारे बॉडी में भी दो ही पर्पस के लिए रिएक्शंस होंगे, या तो सिंपलर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने में इनटू कॉम्प्लेक्स लार्जर मॉलिक्यूल्स, या फिर लार्जर एंड बिग मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने में इनटू सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. सो ये दो प्रोसेस वैसे सुनने में तो ऑपोजिट है और होते भी अलग अलग हैं एज द बॉडी रिक्वायर्स और एज द नीड, जो भी बॉडी में हो रही है नीड जिसकी है वैसे ही प्रोसेस होगा. सो कहने का क्या मतलब है, दो तरीके से आप मेटाबॉलिज्म को क्लासिफाई कर सकते हो. इट कैन बी कैटाबॉलिज्म, इट कैन बी एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म याद करने का एक इजी तरीका, कैटाबॉलिज्म कट. सो कट करने का क्या मतलब है कि आप किसी लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इनटू सिंपलर यूनिट्स में आप तोड़ रहे हो. सो दैट इज कैटाबॉलिज्म, मींस डिस्ट्रक्शन. एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्शन, उल्टा, कि हम जब सिंपलर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बिग लार्जर मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझना चाहो तो कैटाबॉलिज्म में किसका एग्जाम्पल दे सकते हो? रेस्पिरेशन. सिंपल, कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है टू यील्ड एनर्जी. सो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हो गया. जबकि प्लांट्स में जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो वहां पे आप देखते हो कि सिंपलर छोटे छोटे यूनिट से CO2 प्लस H2O से आप एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या ग्लूकोज. सो ऑपोजिट है बट ऑब्वियसली पाथवे तो डिफरेंट है. सो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दो तरीके के रिएक्शंस आपके बॉडी में होते हैं. तो इन सबसे ये पता चला कि कभी भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस कभी भी आप नहीं देखोगे इन नॉन लिविंग थिंग्स. सो मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो अ वॉट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट अ ओनली अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. सो मेटाबॉलिज्म आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बनता है. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन लोग पूछते हैं कि जैसे कि आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में भी आप जनरेट कर सकते हो. आप टेस्ट ट्यूब में सुटेबल एनवायरमेंट कंडीशंस प्रोवाइड करो, अपने मॉलिक्यूल्स डालो. हम आजकल हर चीज टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, लेबोरेटरीज में कर सकते हैं. सो वहां पे वो जो रिएक्शंस है वो बॉडी के अंदर नहीं हो रहे, इन विवो नहीं हो रहे, वो इन विट्रो हो रहे, मीन्स टेस्ट ट्यूब एनवायरमेंट में हो रहे. सो उनको हम लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते, उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते, उनको लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं. सो एक एक्सेप्शन नहीं है, ये ऑल टुगेदर केस ही डिफरेंट है. तो वहां पे हम उनको लिविंग थिंग्स नहीं कह रहे, हम वहां पे उनको लिविंग रिएक्शंस बोल रहे हैं. सो रिएक्शंस बाहर हो सकती हैं बट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बाहर नहीं हो सकता. सो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस किसके अंदर हो रही है, सेल के अंदर हो रही है, वो केवल और केवल आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखोगे, कभी भी नॉन लिविंग में नहीं देखोगे. सो हमने एक मतलब एक मोर स्पेसिफिक फॉर्म में हमने उसे बोल दिया सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन. तो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक प्रॉपर्टी हो गया, कैसा, डिफाइनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. लास्ट में आते हैं कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या है? एनी काइंड ऑफ, अगर आपको कोई स्टिमुलस बाहर से मिलता है टू विच यू रिस्पॉन्ड, है ना, या योर सिस्टम रिस्पॉन्ड. सो कहने का क्या मतलब है, सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग.
तो जब भी आप सेंस करते हो स्टिमुलस को और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती है आपकी बॉडी, दैट इज कॉन्शियसनेस, कि आपको बाहर के सराउंडिंग का पता है कि आसपास क्या है, आप उसे सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी चीज में अगर सेंसिंग की प्रॉपर्टी नहीं है तो ऑब्वियसली वो नॉन लिविंग है। सो कॉन्शियसनेस इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कभी भी नॉन लिविंग में नहीं देखोगे आप, है ना, सिंपल सी चीज है। सो यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस आता है वो भी डिफाइनिंग फीचर हो जाता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और इसमें एक और टर्म हम बोल सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। Now, what is self-consciousness? Self-consciousness, consciousness can be present in all the living beings. That is the defining property. But self-consciousness only and only present होता है exclusively in humans. कहते हैं ना, you are self-conscious. So बहुत easily हम बोलते हैं, but उसका meaning क्या है? Like आपको फर्क पड़ता है कि आपका सोशल इन्वायरमेंट आपके लिए कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है या आपके बारे में क्या सोच रहा है ना। सो आप वो होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये किसी भी और एनिमल या ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे नहीं होगा। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस, बीइंग अवेयर ऑफ वन सेल्फ एंड इट्स सराउंडिंग्स एंड योर सराउंडिंग्स, इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ, राइट। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी चार, जिसमें से हमने देखा कि हमारी जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन था वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो थी बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, जबकि मेटाबॉलिज्म या जिसको हमने दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मींस सेल्स कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं प्रेजेंट होंगे। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, दीज आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो अब आपने देखा कि ये एक हमने जनरल व्यू किया कि कैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंक्शन करें, डिफरेंशिएट करें। अब एक तो डेफिनेशन चाहिए, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज लिविंग, अल्टीमेटली इतना सब डिस्कशन तो कर लिया बट व्हाट इज एक्चुअली लिविंग, तो आपको एक प्रिसाइज डेफिनेशन होनी चाहिए आपके पास, जो कि इन्हीं सब पॉइंट्स को कलेक्ट कर या फिर दिमाग में रखकर हो। सो कहने का क्या मतलब है, यहां पर लिविंग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ऑल टुगेदर आप कह सकते हो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन से, दैट मींस द सेल हैज टू बी गेट डिवाइडेड या फिर हैज टू रेप्लिकेट, हैज टू मल्टीप्लाई, हैज टू डुप्लीकेट इट्स नंबर, है ना। सो दैट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग मींस चेंज के लिए तैयार रहे, लाइक it has to change, it has to adapt with this changing environment. So usko evolve hone ki tendency honi chahiye, kehte hai na variation leads to successful survival. So if agar cell hi itna zyada rigid ho jayega to kaise chalega, agar usko environment change ho raha hai to us cell ko bhi tendency honi chahiye, us cell ke paas bhi to change according to the environment. So that is evolving. Now self regulating means उसका कोई ऊपर से सोर्स नहीं होना चाहिए, कोई रेगुलेटर नहीं होना चाहिए उसका, इट हैज टू बी सेल्फ रेगुलेटिंग। उसके पास खुद सारे ऑन एंड ऑफ इन सारे रेगुलेटरी फंक्शंस होने चाहिए ताकि वो खुद ही रेगुलेट कर सके, उसको किसी भी सुपीरियर पावर की जरूरत ना पड़े रेगुलेट करने की, राइट। सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गया, आपका ग्रोथ एंड प्रोडक्शन आ गए ऑल टुगेदर। सेल्फ रेगुलेटिंग में आपका मेटाबॉलिज्म आ गया, बिकॉज वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर अकरिंग, सो आप रेगुलेट, वो जो कि रेगुलेट कर रहे हैं आपकी बॉडीली एक्टिविटीज को और बहुत सारी चीजें को। इंटरैक्टिव सिस्टम्स, इंटरैक्शन होना क्यों जरूरी है, अगर एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट नहीं करेगा तो कैसे ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकेगा, राइट। क्योंकि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आपको पता है डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हर एक सेल का स्पेसिफिक फंक्शन है और वो तभी परफॉर्म कर सकता है जब वो दूसरे सेल से भी कम्युनिकेट करे। सो इंटरैक्टिव लिविंग केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस का पॉइंट है कि लास्ट में रेगुलेटिंग हो गया, इवॉल्विंग हो गया, रेप्लिकेटिंग हो गया, इंटरैक्टिव हो गया, लास्ट में रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है टू एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। सो दीज वर अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज या फिर डिफाइनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिविंग।